सो गाइस, तो अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील्स पर इस साउंड के ऊपर कुछ इस टाइप का वीडियो काफी तेजी से वायरल चल रहा है। तो आज किस वाले वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस टाइप का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज किस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना BN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी वीडियो से अपने रील्स को क्रिएट करना चाहते हैं उस वीडियो के आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको इस ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके वाटरमार्क को डिलीट कर लेना है। एंड डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग पर आ जाना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपने वीडियो पर स्लोमो ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्पीड का, आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रेगुलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और गाइस, अगर आप इस पॉइंट को इस तरफ लेके आ जाते हैं गाइस, आपके वीडियो पर आपका स्लोमो ऐड हो जाएगा। तो गाइस, मेरे वीडियो पर पहले से स्लोमो तो अभी गाइस मैं ऐड नहीं करूंगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है टैप टू ऐड म्यूजिक का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहां पर अपने साउंड वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, आपके वीडियो से आपका साउंड इस तरीके से निकल के आ जाएगा। सो गाइस, इसके बाद आपको अपने साउंड को ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स अपने साउंड को सुन के देख लेना है कि गैस आपके साउंड पर किस जगह पर गैस आपका थंडर इफेक्ट वाला साउंड आता है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस जगह पर हमारा थंडर इफेक्ट वाला साउंड आता है। सेम फ्रेंड्स, आपको इसी जगह पर आ जाना है। एंड इसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर थंडर इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा। तो गाइस, इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वीडियो को आप इस तरीके से जूम करके आपको अपने स्काई पर आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। इस तरीके से गाइस आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरफ आना है, एक आपको ऑप्शन मिलेगा मास्क का, आपको मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लाइनर वाले गाइस ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना होगा। और गाइस, आपको अपना थंडर इफेक्ट को आप इस तरीके से अपने स्काई पर एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। इस तरीके से गाइस आपको एडजस्ट कर लेना है। एंड गाइस, आपको राइट पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जहाँ से गाइस आपका थंडर इफेक्ट स्टार्ट होता है कुछ इसी जगह पर आना है। एंड गाइस, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको कट लगाना है। कट लगाने के बाद गाइस, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ब्लैक वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आप चाहे तो अपने वीडियो पर गाइस आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। एंड गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे गाइस आपको फिल्टर मिल जाता है, तो अपने हिसाब से आप अपने वीडियो के कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से गाइस आपको एडजस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस, मैं एक्सपोजर को हल्का गाइस मैं माइनस कर लेता हूँ, कुछ इतना हो चुका है। एंड कॉन्ट्रास्ट को भी गाइस मैं हल्का से यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ, इस तरीके से हो चुका है। राइट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स, अपने हिसाब से आप एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप फ्रेंड्स मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।